लड़ क्यों रहे? So, hello everyone, good morning and welcome back to another vlog. I saw traffic. Welcome back to new video, भाई. कैसे हो आप सब? Hope सब बढ़िया हो गया यार, होनी भी चाहिए. इसी के साथ एक और नई सुबह, एक और नया vlog. Guys, आज का vlog होने वाला है हमारा डिवाई तक. हम लोग जा रहे भाई डिवाई पर, ट्रैफिक से निकले हुए ना. सो गाइज, हम लोग जा रहे भाई डिवाई ड्यू टू सम वर्क, कुछ काम है हम लोगों को, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही शूट कर लूँ. तो बिना किसी देरी के साथ यार निकलते हैं. बाकी तुम लोगों के लिए मैं बहुत एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. भाई साहब लड़ाई हो गई इधर. अरे भाई 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 लड़ क्यों रहे? अरे यहाँ से हट जाओ यार, रोड तो खाली कराओ यार. हर रोड खाली करा दो यार. वो होशियार बड़ा ना. क्या हुआ क्या हुआ क्या? क्या तोड़ दिया भाई? अरे शीशा फूटा इसका. गरीब आदमी से यार, वो कह रहे हो और का पैसा वालो चलो अब तो चले. अरे जाओ यार, जाओ तो सही, जाओ ना, वहाँ करवा लेना अपना जितना हो. जा जा अरे जा यार, कम से कम ना करा देंगे, पर अपनों भी शीशा ओरिजिनल ही डलवाइयो. 55,000 रुपए आओ. जा 50,000 को तो उठा दे, चल तो सही. चल गया, तुम बैठो जा. मैं ये तो लग जाएगा, यहीं फट निकल गया है तो. हाँ ये तो लग जा, ले जा नहीं दे जाना कहीं, ले सबरी लॉक निकल गए इसके तो. हुआ कहाँ से था, मतलब कहाँ पे, कहाँ पे मारी थी सुना? अरे कोई ना, चलो कर लो यार, ऐसे लड़ाई दंगे में कोई फायदा ना. कोई ना, तुम उसका करा देना, वो तुम्हारा करा देगा, बात खत्म. चलो भाई फैसला हो गया. भाई ऐसे लड़ा वड़ा मत करो यार, वो ऑटो वाला यार गरीब आदमी, तुम उसको मारने में लगे हो तो ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है यार. गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे सासनी में. मजाक मजाक में आ गए सासनी तक तो. बाकी सासनी वाले बंदो कैसे हो तुम लोग भाई? मुझे पता है तुम लोग भी हमसे जुड़े हुए हो, मतलब अपने आसपास का पूरा क्षेत्र जो है ना, UP 86 पूरा जुड़ चुका है अपने से. मैं पूरा तो नहीं, हाफ तो जुड़ ही चुका बहुत प्यार से. हर शहर में हर गाँव में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारे भाई को जानता ना हो. मैं जो चूती आएगा तू
तो चकनी कद चकनी उतलाने नोड लाई बैठा यार। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया हम लोगों के। प्लान कुछ ये बना है कि अभी हम लोग ये अपनी बाइक को रखेंगे अपने विनायक भाई के पास और विनायक भाई की एक्सपल्स 200 को लेके जाने वाले हम ट्रिप पे। तो भाई कहाँ फंस गए, रेड लाइट पे, इस पर नंबर प्लेट नहीं है और इधर पुलिस वाले खड़े हैं। मोए मोए सो भाई लोग अभी अपने हाथ में एक्सपल्स 200, अब इसको लेके जाने वाले हम लोग। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा सा फ्यूल अप कराएंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भाई तुम्हारा जमा जमा बहुत अच्छी जगह भाई। ये चेक करो भाई, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये नहर तो तुम्हें दिखाना बनता ही है यार, क्योंकि मस्त पानी चलता है ना। यहाँ पर लोग नहाते भी है, इतना पानी होने के बाद यहाँ पे लोग नहाते भी है, बट आज फिर भी ये पानी मुझे बहुत कम लग रहा है क्योंकि ये वाली जो इस साइड की नहर है ना इसके अकॉर्डिंग ये पानी बहुत कम चल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग वो रास्ता छोड़ के ये कच्चे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेना है मुझे थोड़ा सा, तो ऑफ रोडिंग इससे मारेंगे भाई। सो गाइस अब जाने का टाइम आ चुका है। ये मेरी मौसी की सबसे बड़ी बेटी, ये दूसरी मौसी का सबसे छोटा, ये बड़ी मौसी की सबसे छोटी और ये दूसरी मौसी का सबसे बड़ा और ये हमारी मौसी। सुनाओ कहाँ पार्सल से करवा रही हो तुम? वाह वाह चलो चलते हैं। मैं ठीक है ठीक है आराम से। हाँ हाँ गाइस ये हमारी मौसी आई उनकी हवेली कहाँ ऊपर 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 नहीं जाता मैं कहीं। हेलो बस आ गया चाय बनवाओ। चलो बाय बाय भाई। इस दुनिया की कोई सी गाड़ी चला लूँ लेकिन जो सुकून इसे चलाने में है ना वो किसी भी को चलाने में, मतलब किसी भी बाइक को चलाने में नहीं है। इसकी हैंडलिंग आए हाय कितनी प्यारी है रे। चलो बिना किसी देरी के साथ निकलते हैं भाई, अब थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लगा है।